आज है अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व। देश दुनिया में दीपों से जगमगाते पर्व का जश्न पीएम मोदी फिर मनाएंगे देश के जवानों के साथ। जी हां, देश के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। और उधर सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी मनाई राम की नगरी अयोध्या में दिवाली। आज मनाएंगे गोरखपुर के वनटांगिया में दिवाली। देश के कोने कोने में दिवाली की रौनक है। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज आपको ये अलग अलग रंग लगातार दिखाता रहेगा। इस दीपावली में हम सभी देशवासी हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुख चैन की जिंदगी के लिए अपना जीवन खपा देने वाले सुरक्षा बलों को दीपावली की शुभकामनाएं भेजें। हम और आप अपने परिवारों के साथ चैन से दिवाली इसलिए मना पाते हैं क्योंकि देश के वीर सपूत अपने परिवार, अपने सुख चैन को त्याग कर भारत माता के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। जवानों के इस त्याग को पीएम मोदी से बेहतर शायद ही कोई समझता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। पीएम मोदी जवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरा देश सीमा पर तैनात जवानों के साथ खड़ा है। साल 2014, बतौर प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी की पहली दिवाली थी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सियाचिन पहुंचकर जवानों के साथ दिवाली मनाई। 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र, जहां पर तापमान -50 डिग्री, जी हां, शून्य से 50 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है, वहां हमारे वीर जवान तैनात रहते हैं। पीएम के जाने से जवानों में एक नया जोश भर गया। साल 2015, पीएम मोदी दिवाली मनाने दोबारा जवानों के बीच पहुंचते हैं। इस साल पीएम मोदी ने पंजाब में अमृतसर के डोगराई वॉर मेमोरियल में दिवाली मनाई। साल 2016, प्रधानमंत्री मोदी दिवाली पर एक बार फिर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। पीएम मोदी दिवाली मनाने हिमाचल के किन्नौर पहुंचे और आईटीबीपी, सेना और डोगरा स्काउट के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी हर साल की तरह इस साल भी दिवाली देश के सपूतों के साथ मनाने वाले हैं। एबीपी न्यूज भी देश की सेवा के लिए सीमा पर तैनात वीर जवानों को सलाम करता है और दिवाली की बधाई देता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।